ब्लर ब्लर ब्लर, हर वीडियो के नीचे कुछ भाई लोग कमेंट करता है कि ब्लर कैसे करें। आजकल फोटो में ब्लर इतना जरूरी हो चुका है जितना एक सिंगल लड़के के लिए एक गर्लफ्रेंड, मतलब कुछ भी। तो ब्लर किस तरह से करें, एक कमेंट उन भाई लोग करता है जिसके पास कैमरा नहीं होता। तो उन भाई लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके साथ आपका भाई है। बेसिकली हम तीन तरीके से ब्लर कर सकते हैं। नंबर वन, DSLR से। चल बाजड़ी। नंबर टू, फोटो की बैकग्राउंड किसी भी ऐप से ब्रश करके घिस घिस के ब्लर करना। नंबर थ्री, बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को रिमूव करके ब्लर करना एंड उसी को रियलिस्टिक दिखने के लिए लाइटरूम में कुछ छेड़खानी करना। तो चलो, ब्लर करने के लिए पहले हमें एक फोटो की जरूरत पड़ेगा। तो फोटो क्लिक करेंगे हम फोन से, क्योंकि अगर DSLR होता तो हम ब्लर के पीछे थोड़ी भागते हैं। तो आपके पास जो भी फोन है उसी फोन से आपको शूट करना है, और आपका फोन है तो आपको तो पता ही है कि कौन सी मोड पे ज्यादा क्लैरिटी होता है, एन 48 प्रो मोड, रॉ मोड। अगर नहीं है अच्छी फोन तो आपका दोस्त है ना, तो उससे ट्राई करो। ऐसी जगह पे शूट करना है जिस जगह प्लेन हो, जैसे कि आप रूट पे शूट कर सकते हो, इस तरह से आप देख सकते हो। ऐसे अगर रूट है तो इस पे भी शूट कर सकते हो। और गलती से भी ये मत करना जैसे कि इस जगह में बैठा हो, इस तरह से आप बैठ के शूट करोगे तो ब्लर करने के लिए आप बैकग्राउंड को पूरा इतना करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत होगा। और बाइक पे बैठकर तो बिल्कुल भी पॉज मत करना। अगर आप ब्लर करना चाहते हो एक फ़ोन के कैमरा से, तो पहले सिंगल फोटो एंड सेटिंग पॉज, स्टैंडिंग पॉज एंड प्लेन बैकग्राउंड पे शूट करो। तो फोन से फोटो क्लिक करने के बाद जो हमारा फाइनल फोटो है, तो आप साइड पे देख सकते हो ये फोटो है। ये फोटो आपको पहले क्या करना है, लाइटरूम में शेयर करना है एंड ऑटो करके लाइट को थोड़ा एडजस्ट करना है। करने के बाद उस फोटो को करना है सेव। सेव करने के बाद ये फोटो की बैकग्राउंड रिमूव करना है पहले। तो इस फोटो की बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सिंपल तरीका है, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, ऐसे कुछ वेबसाइट है जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस जगह जाना है एंड अगर आपने सिंग इन नहीं किया तो सिंग इन कर लेना है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, और कुछ ही सेकंड में आपको बैकग्राउंड इस तरीके से रिमूव करना है। करने के बाद जो आपका फोटो है उस फोटो की सब्जेक्ट रिमूव करना है। तो सब्जेक्ट रिमूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे PixArt ऐप। तो हमने जो फोन से फोटो क्लिक किया एंड लाइटरूम से थोड़ा लाइट एडजस्ट किया, उस फोटो को आपको ऐड कर लेना है। तो प्लस पर क्लिक करना है एंड फोटो को ले लेना है। उस फोटो को मैं ऐड कर सकता हूँ। अभी आपको टूल्स पर क्लिक करना है, नीचे जो आप टूल्स देख रहे हो टूल्स पर क्लिक करना है। करने के बाद इधर आपको रिमूव वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो रिमूव पर क्लिक करना है। कुछ PixArt पे आपको नहीं मिलेगा, जो प्रीमियम है उसी पर मिलेगा, और आप एक क्रोम से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको फुल बॉडी पेंट कर लेना है। पेंट करने के बाद इधर जो आपको दिख रहा है रिमूव, रिमूव पर बस क्लिक करना है एंड पूरा बॉडी इधर से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो रिमूव हो चुका है। तो इसको करना क्या है, ऊपर आपको डन दिख रहा है, डन कर देना है। डन करने के बाद आपको इफेक्ट पर जाना है। अभी आपको एकदम ध्यान से समझना है, इफेक्ट पर जाने के बाद आपको ब्लर पर जाना है। ब्लर पर जाने के बाद जो ब्लर है वो 15 देख सकते हो। और हाँ, आपको ब्लर लिमिटेड करना है, ज़्यादा फेक भी ना दिखे, एकदम दिखने में रियलिस्टिक लगे, और वो तभी लगेगा जब आप थोड़ा ही करोगे। तो हमारा ब्लर 15 हो चुका है, तो इसको डन नहीं करना, बस आपको ऊपर जो आपको इरेजर दिख रहा है ना, इरेजर पर क्लिक करना है। करने के बाद नीचे आपको इरेज दिख रहा है, इरेज पर क्लिक करना है। करने के बाद हार्डनेस को एकदम कम रखना है, जैसे कि मैंने 14 रखा है, एंड साइज को थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना। और इस तरह से आपको बस जो सड़क है ना, जो रोड है, उसको इस तरह से इरेज कर देना है। करने के बाद इसको कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से आपको डन करना है। करने के बाद जो हमने रिमूव बैकग्राउंड डॉट कॉम से जो हमने रिमूव किया है फ़ोटो, वो फ़ोटो ऐड कर लेना है। पहले आपको ऐड फोटो पर जाना है एंड वो फोटो आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इधर आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, बस इस फोटो को इस तरह से जूम करना है और इधर से एकदम बराबर कर देना है, बराबर कर देना है, और इसको कर देना है डन। डन करने के बाद इधर आप देख सकते हो एकदम फेक लग रहा है, क्योंकि नीचे कोई शेडो नहीं है। अभी आपको करना क्या है, रियल जो फोटो है जो हमने बस लाइट रूम से थोड़ा लाइट एडजस्ट किया है, ये रियल फ़ोटो ले लेना है। फिर से ऐड फोटो पर जाना है और ये रियल फ़ोटो हम ले लेंगे। रियल फ़ोटो लेने के बाद आपको फिर से इस तरह से बराबर कर देना है। इस पर भी आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, इस तरह से बराबर करना है। करने के बाद ऊपर जो आपको इरेजर दिख रहा है, इरेजर पर क्लिक करना है। करने के बाद हार्डनेस वगैरह सब ठीक ठाक रहेगा, बस साइज़ को थोड़ा ज़्यादा कर दो एंड हार्डनेस को भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। करने के बाद ऊपर से आपको इस तरह से ब्रश करना है और आपका फ़ोटो बन जाएगा एकदम रियलिस्टिक, जो आप देख सकते हो। तो इसको करते डन। तो हमारा ब्लर कंप्लीट हो चुका है। तो इस फोटो को रियलिस्टिक दिखने के लिए हम शेयर करेंगे लाइटरूम में। ओके, मैं पहले से लाइटरूम ओपन कर चुका हूँ। इधर आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा बहुत काम करना है। मास्किंग पर क्लिक करना है, करने के बाद प्लस पर जाना है एंड ब्रश पर जाना है।
जाने के बाद इधर से साइज आपको छोटा बड़ा कर लेना है, जैसे कि इधर साइज है मैं 14 कर चुका हूँ। और अपने फेस पर ब्रश कर लेना है, क्योंकि आपकी फेस स्मूथ भी करना है ना, तो इस तरह से आपको ब्रश कर लेना है पहले। ब्रश करने के बाद आपको इफेक्ट पर जाना है एंड टेक्सचर को पूरा मैनेज कर देना है एंड डिटेल पर जाके शार्पनेस को थोड़ा मैनेज करना है। करने के बाद आपको फेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, इसको कर देना है डन। डन करने के बाद फिर से आपको मास्किंग पर जाना है, जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है एंड रेडियल ग्रिड लाइन लेना है। लेने के बाद इस जगह सिलेक्ट करना है और इस तरह से सर्कल बड़ा कर लेना है। करने के बाद आपको लाइट पर जाना है एंड व्हाइट को थोड़ा इंक्रीज कर देना है एंड इसी को डबल करके फैन पर इस तरह से रख देना है। जिस जगह काले है बस उसी जगह आपको इस तरह से रख देना है। रखने के बाद इसको डन करना है एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या करना है, सिलेक्टिव पर क्लिक करना है। करने के बाद प्लस पर क्लिक करना है और लाइनर ग्रिड लाइन लेना है और नीचे के साइड इस तरह से थोड़ा शेडो कर देना है। पहले इफेक्ट पर क्लैरिटी एंड लाइट पर जाकर एक्सपोजर को इस तरह से माइनस करना है। करने के बाद इसको कर देना है डन। डन करने के बाद नेक्स्ट आपको मास्किंग पर जाना है, बस जितने भी काम है मास्किंग पर जाना है। जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है एंड रेडियल ग्रिड लाइन फिर से लेना है और जिस जगह व्हाइट है उस जगह इस तरह से आपको रखना है। रखने के बाद इफेक्ट पर जाना है एंड धेस को माइनस करना है थोड़ा एंड एक्सप्लोज को थोड़ा प्लस करना है। करने के बाद इसको डबल करना है, जिस जगह व्हाइट है उस जगह थोड़ा इस तरह से कर देना है, क्योंकि थोड़ा फेक लाइट ऐड होगा और रियलिस्टिक लगेगा, इस तरह से आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद इसको कर देना है डन। डन करने के बाद आपको बैक जाना है और ए प्रीसेट लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आपको 3 डॉट पर जाना है और इसको कॉपी कर लेना है। इस फोटो में आपको पेस्ट कर देना है, फिर से आपको 3 डॉट पर जाना है और इस तरह से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद अगर ओवर लाइट लगे तो एक बार ऑटो कर देना है, तो आपका फ़ोटो ठीक ठाक बन जाएगा एंड थोड़ा बिगनेट भी ऐड कर सकते हो। बिगनेट को मैं 16 कर दिया एंड मिड पॉइंट को 0 कर दूंगा। करने के बाद जो हमारा फोटो है वो कम्प्लीट है। आप देख सकते हो हम फोन से एक नॉर्मल फोटो क्लिक किया जिसका बैकग्राउंड थोड़ी भी ब्लर नहीं थी और अभी जो दिख रहा है एकदम बॉम दिख रहा है, रियलिस्टिक की तरह ब्लर दिख रहा है। अगर आपके पास भी DSLR नहीं है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। अगर आप इस चैनल में आज पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और आज का वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, आज के लिए